लेता है अगर मनुष्यों में अच्छा काम किया होता है, उसका योग भ्रष्ट नहीं हुआ होता, उसका योग अंतकाल में भ्रष्ट नहीं हुआ होता, और अगर भ्रष्ट भी हुआ है तो उस की गति मनुष्यों में ही होती है। योग भ्रष्ट जो भगवान ने गीता में अंतकाल गति के संदर्भ में उसके योग भ्रष्ट के बारे में बोला है कि वो फिर कैसे अपने मनुष्य शरीर में पुनर्जन्म लेके फिर से अपने पिछले जन्म में हुए भ्रष्ट को, योग भ्रष्ट को फिर से योगी बन जाता है, भगवत प्राप्त कर लेता है इस पुनर्जन्म में, उसके बारे में, योग भ्रष्ट के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम सूक्ष्म शरीर बताया, स्थूल शरीर यही छूट जाता है। इस सूक्ष्म शरीर जिसको हम प्रकृति की माया, त्रिगुणी माया के कार्य रूप से बने हुए ये सूक्ष्म शरीर अंत काल तक, आत्मा तक, जब तक आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है तब तक, जब तक भगवान का पार्षद नहीं बन जाता वो आत्मा, तब तक ये आत्मा के साथ ये सूक्ष्म शरीर हमेशा अपने पुराने यादों को लेके, अपने पुराने संस्कारों को लेके, अपने पुराने प्रारब्ध फल को लेके, अपने पुराने संस्कार रूपी कर्म को लेके पैदा होता है मनुष्य के रूप में, या और 84 लाख योनियों में। अतः जब वो मनुष्य पैदा होता है तो उसके अंदर जो संस्कार पूर्वकृत, जो संस्कार विराजमान है स्वरूप के साथ, और उस विराजमान सूक्ष्म शरीर जो स्वरूप के साथ पुनर्जन्म लिया है वो संस्कार है। उसी संस्कार के परावशों के और इस जन्म में, जन्म से लेके युवावस्था तक जो वर्तमान के भी संस्कार हैं, जो हमारे 4 वर्णों में बताए गए गुण हैं, जो उनके स्वभाव हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के जो बताया है 41वें श्लोक में चर्चा की है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परतंप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभा वैर्गुणे है। अर्थात हे परतंप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए जाते हैं। अर्थात ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का और शूद्रों का जो कर्म है वो उनके स्वाभाविक, जो स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म है, जो स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म है, उसी कर्मों उसी स्वाभाविक कर्म के हिसाब से ही ये वर्ण व्यवस्था श्री कृष्ण ने बोली है कि ये वर्ण व्यवस्था उन्हीं स्वाभाविक कर्मों के हिसाब से ही विभाजित किए गए हैं, जिसको अपने अपने स्वाभाविक वर्णों के हिसाब से
स्वाभाविक कर्म दिए गए हैं। तो भगवान ने यहां बोला कि जो स्वाभाविक कर्म है वो पूर्व जन्म के संस्कारों से और इस जन्म में प्रारब्ध फल के रूप में और स्वभाव के रूप में सूक्ष्म शरीर के रूप में अंतःकरण में स्वरूप के साथ भगवान श्री कृष्ण के अंश के रूप में भी विराजमान है। हृदय में स्वभाव विराजमान है, अंतःकरण में श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु का एक अंश विराजमान है, मन बुद्धि अहंकार विराजमान है और ये सब मिला के सूक्ष्म स्वरूप जो पूर्व जन्म से आया है वो बोलते हैं और आत्मा अंश रूप में भगवान का अंश विराजमान है जिसे अंतर्यामी हम बोलते हैं। तो वो स्वभाव तुम्हें कई जन्मों से जो आया है वो और जो इस जन्म में तू किशोरावस्था बचपनावस्था से लेके अब तक युवावस्था तक जो तुमने अर्जित किया है स्वभाव ये मिलके सब मिलके तुझे परवश कर देंगे। तुझे गांडी उठाना ही पड़ेगा अर्जुन, तू जितना भी चाले तू अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा ही अर्जुन, तू इससे बच नहीं सकता। तुझे पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ तू परवश होकर कर्म करेगा अर्जुन। तू अगर तू क्योंकि मैं अगर तू जितना भी चाले कि तू स्वभाव या तू अपना स्वाभाविक या स्वधर्म, भगवान ने यहाँ पे स्वधर्म की चर्चा भी स्वभाव के रूप में ही की है। अभी मैं बोलूंगा कि स्वधर्म और स्वभाव एक ही है, भगवान ने ऐसा गीता में बोला है वो, और इसी स्वधर्म के इस श्लोकों की वजह से